मिस्टर देओ, शी इज ऑल राइट। ओके। कभी कभी स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हो जाता है। लाइए, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ। और तुम खाने पीने पे ध्यान दो, आंटी ना। सर, दवाइयाँ मैंने लिख दी है मिस्टर देव, आप इनको टाइम पर दे देना। या थैंक यू डॉक्टर। ओके। पागल हो गई है क्या जो इतना स्ट्रेस ले लिया और बीमार पड़ गई? हमसे कुछ नहीं यार, राज मेरा फोन नहीं उठा रहा है। यू नो व्हाट, राज जस्ट लेफ्ट मी। मैं उसके सामने पूरी जवानी लेकर खड़ी हूँ और जवान भाग गया। बस इतनी सी बात है और तूने स्ट्रेस लिया और बीमार पड़ गई। यार वो नर्वस हो गया होगा ना, तुझे समझाना चाहिए और उल्टा तू ही बीमार पड़ गई। वो भी तो इस पिच पर पहली बार खेलने आया था, पड़ गया होगा ढीला। देख, अगर तू कहे तो मैं रात से तेरे लिए बात करूं। देख यार, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे जो सही लगे वो कर। आई एम नॉट श्योर। सोनी, एक मिनट इधर आना। देखो सोनी, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इसको महसूस करना पड़ता है। तुम जानती हो एक एक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? कि उसकी पर्सनल लाइफ में चाहे कुछ चल रहा, लेकिन अगर वो एक बार कैरेक्टर में आ गया ना, तो फिर वो कैरेक्टर में ही रहता है। तुम भूल जाओ सब कुछ, बस इस पल को फील करो, यही एक्टिंग का लेसन है। देव, आप जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो क्या वो आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बेटी है, प्यार प्यार इन सबको नहीं मानता है? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, आप जैसे मुझसे रहने को कहेंगे मैं वैसा जी लूंगी। तो सोनी, फिर तुम भूल जाओ सब कुछ, सब कुछ भूल के यहाँ आओ और मेरी हो जाओ।